आइए अब करिश्मा डिजाइन स्मार्ट में इस तरह का क्रिएटिव एल्बम पे विद प्रॉपर हेड डिटेलिंग के साथ कट किया हुआ फोटो कैसे ऐड करते हैं हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अभी तक आपने जो करिश्मा डिजाइन स्मार्ट का वीडियो देखा उसमें जो कटआउट के फोटोज ऐड किए हुए हैं पेजेस के ऊपर वो नॉर्मल कटआउट करके पीएनजी फॉर्मेट में इम्पोर्ट किए हुए हैं और उसे पेज पे ऐड किया हुआ है। लेकिन अगर हमें हेयर डिटेलिंग के साथ कट किया हुआ फोटोज ऐड करना है पेज पे उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें फोटोशॉप का यूज करना है क्योंकि फोटोशॉप कटआउट के लिए एक्सपर्ट है। यानी जो भी हमें हेयर डिटेलिंग करनी है जिस भी फोटोज का हमें हेयर डिटेलिंग करना है कटआउट करके ऐड करना है पेज पे उसे हमें फोटोशॉप में कटआउट करके ऐड करना होगा। तो वो कैसे करते हैं हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। सबसे पहले जो भी साइज का आपको पेज बनाना है उस साइज का पेज आप करिश्मा डिजाइन स्मार्ट में इस तरह से ओपन कर लीजिए। फोटोज का आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो पेज बनाने वाले उस फोटोज को आप यहाँ फोटोज गैलरीज में इंपोर्ट कर लो जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो पेज अभी मैं बनाने जा रहा हूँ उस पेज को मैं टेम्पलेट में से ओपन करूंगा। यही टेम्पलेट में से इसलिए ओपन करूंगा क्योंकि टेम्पलेट्स में यहाँ पे करिश्मा डिजाइन स्मार्ट में बहुत सारे टेम्पलेट दिए हैं जिसे आप डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और उसे डायरेक्ट आप अपना पेज का लेआउट तैयार कर सकते हैं यानी आपकी पेज का डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेम्पलेट्स का गैलरी दिया हुआ है मैं टेम्पलेट्स की गैलरी पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे स्टॉक्स है, स्टॉक्स में मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज के, तो मैं यहाँ से एक कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ जिस कैटेगरीज का मुझे टेम्पलेट्स ओपन करना है। यहाँ पे अभी मैंने इस कैटेगरीज को ओपन की, अब यहाँ से मैं उस टेम्पलेट को सेलेक्ट करता हूँ जिस टेम्पलेट का मुझे पेज बनाना है। जैसे कि मुझे इस पेज का टेम्पलेट बनाना है तो मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरा टेम्पलेट यहाँ पे इस पेज पे ओपन हो गया। यहाँ पे मैं फोटोज गैलरीज में जाता हूँ, अभी मुझे जो फोटो जहां ऐड करना है उसकी पोजीशन सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैं ये पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, अभी मुझे जो फोटोज यहाँ पे ऐड करना है मैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ या फिर जैसे कि मैं दूसरी पोजीशन सेलेक्ट की मैं डायरेक्ट डबल क्लिक करके उस फोटोज को उस पोजीशन में ऐड कर सकता हूँ। उसी तरह मैं दूसरे लेयर्स फ्रेम्स को सेलेक्ट करता हूँ और उसमें भी फोटोज ऐड कर सकता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अभी ये नेक्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट करके उसमें भी फोटो डबल क्लिक करके ऐड कर देता हूँ। इस तरह से मैंने कंपोजिशन कर ली। अभी यहाँ पे आप देखेंगे फोटोज की कंपोजिशन, यहाँ पे फोटोज का पोजीशन है, इसे मैं अपने मन के हिसाब से अपने हिसाब से मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। यानी मुझे थोड़ा छोटा करना है, बड़ा करना है, जो भी करना है मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे इसमें भी फोटो ऐड करना है तो मैंने ये फोटो को डबल क्लिक किया, ये फोटोज मेरी यहाँ पे ऐड हो गई। अभी आप देखेंगे कि ये फोटोज जो है इस लेयर के ऊपर है, यानी जो करिश्मा डिजाइन स्मार्ट है ये लेयर बेस्ड भी काम करता है। अभी इस लेयर को मुझे सेंड बैक करना है तो मैं इसको यहाँ से सेंड बैक कर देता हूँ। तो ये लेयर मेरी सबसे नीचे चली गई। अभी मुझे जो पोजीशन में इसको रखनी है जैसी कंपोजिशन रखनी है मैं रख सकता हूँ। इस तरह से मेरा ये पेज इतना डिजाइन हो गया या फिर आप बोल सकते हैं मैंने इतनी कंपोजिशन कर ली और भी टेम्पलेट यूज करके जिससे कि मेरा काम थोड़ा फास्ट हो गया। अभी यहाँ पे मुझे कपल का फोटो ऐड करना है, ये कपल का फोटो मुझे यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि मैं इस कपल के फोटोज को यहाँ पे लाता हूँ डबल क्लिक करके, ये मैंने ऐड किया यहाँ पे। आप ये देखिए कपल के फोटोज में यहाँ पे हेयर डिटेल्स है, यहाँ पे हेयर्स है, मुझे ये हेयर की डिटेल्स जो हेयर डिटेल्स है ये हेयर डिटेल के साथ फोटो यहाँ पे ऐड करना है। तो वो हेयर डिटेल के साथ ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे इस पेज को 300 dpi पे जेपीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से जिससे कि मैं उसे फोटोशॉप में ओपन कर सकूं। क्योंकि फोटोशॉप में मल्टी लेयर पे काम होता है और हमें हेयर डिटेलिंग करने के लिए दो लेयर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे फोटोशॉप में ओपन करेंगे और फोटोशॉप हेयर डिटेलिंग करने के लिए एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप में ये जब ओपन होगा तो सिंगल लेयर बेस्ड होगा क्योंकि यहाँ से जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे वो सिंगल लेयर बेस में ही इंपोर्ट होगा, 300 dpi jpg फॉर्मेट में इंपोर्ट होगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे ब्लैंक रखना पड़ेगा जिससे कि मैं ये फोटोज यहाँ पे ऐड कर सकूं। तो मैं ये लेयर्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी मैंने डिलीट कर दिया, ये स्पेस मेरा यहाँ पे ब्लैंक है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे ओपन एक्सपोर्टर पे जाना है, यहाँ पे ओपन एक्सपोर्टर का आइकॉन दिया है मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अभी मुझे सिंगल करना है जिसलिए मैं यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट करता हूँ, सिंगल पेज
और यहाँ पे देखेंगे ये एक्सपोर्ट पाथ है, इस एक्सपोर्ट पाथ को आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट पाथ है वही यूज करता हूं। अभी यहाँ पे प्रिंटेबल फाइल फॉर्मेट दिया हुआ है तो मुझे प्रिंटेबल फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है क्योंकि मुझे इसे 300 डीपीआई में एक्सपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंटेबल फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 300 डीपीआई फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जेपीजी फॉर्मेट दिया हुआ है। अभी मैं यहाँ से इसको जेपीजी फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा एक्सपोर्टिंग पेज का प्रोसेस चालू है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये एक्सपोर्टिंग सक्सेसफुल दिखा दिया, यहाँ पे एक्सपोर्टिंग सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब इस ऑप्शन का बेनिफिट क्या है, अगर आपको डायरेक्ट फोल्डर ओपन करना है जहां पे आपका फाइल एक्सपोर्ट होके हो चुकी है, अगर आपको डायरेक्ट वो फोल्डर ओपन करना है तो यहां से आपको यस करना है तो डायरेक्ट आपका वो फाइल का लोकेशन ओपन हो जाएगा जहां पे आपकी फाइल एक्सपोर्ट होके सेव है। तो इससे क्या होगा कि इससे क्या है कि आपको जो यहां से नॉर्मली सर्च करना पड़ेगा कि मेरा फोल्डर कहां पे है विंडो से जाके, वो चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इसका ये बेनिफिट है कि आप डायरेक्ट वो फाइल का लोकेशन ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी यस करता हूँ तो मेरी जो फाइल एक्सपोर्ट हुई है उसका लोकेशन यहाँ पे ऑन हो गया। अभी ये फाइल जो 300 dpi में यहाँ पे एक्सपोर्ट हुई है उसे मैं फोटोशॉप में ओपन करूंगा और जो फोटो मुझे ऐड करना है हेड डिटेलिंग के साथ उस फोटो को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा जो मैंने स्पेस ब्लैंक रखा हुआ था पेज के ऊपर। अभी मेरा फोटोशॉप यहाँ पे चालू हो गया, अभी उस पेज को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे ये मेरा पेज यहाँ फोटोशॉप में ओपन हो गया। अभी यहाँ पे जो फोटोज मुझे ऐड करना है उस फोटोज को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, डबल क्लिक किया। अब मेरी फोटोज की लोकेशन जहाँ पे है वहां से मैं फोटोज को यहाँ फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। अभी ये फोटोज है, इस फोटोज को मुझे यहाँ पे प्रॉपर हेडेड लिंक के साथ ऐड करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरा फोटोज है और ये जो हेयर डिटेल्स दिख रही है साइड से, इस हेयर डिटेल के साथ ये मेरे को फोटोज में पेज पे ऐड करना है। इस फोटोज को प्रॉपर हेयर डिटेलिंग के साथ जो भी हेयर डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं इसके साथ मुझे इस फोटोज को ऐड करना है जो पेज मैंने अभी यहाँ पे फोटोशॉप में ओपन किया है। उसके लिए सबसे पहले मुझे इसे कटआउट करना होगा। कटआउट करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले कटआउट करने के लिए फोटोशॉप में पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। ये पेन टूल है, यहाँ पे मैं पेन टूल को क्लिक करता हूँ और ये मेरा पेन टूल यहाँ पे ऑन हो गया है। तभी मुझे जहां से कटआउट करना है मैं वहां से इसको कटआउट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसका सिलेक्शन मोड नॉर्मल रखता हूँ, ऐड टू पाथ का एरिया। अभी मुझे ऐड करना है, अब मुझे यहाँ से कटआउट करना है। कटआउट करने के लिए आपको जहां से प्रॉपर कटआउट जिस पोजिशन से जम रहा है आप वहां से कटआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको प्रॉपर यहाँ से कटआउट करता हूँ। अभी ये मेरे लिए पार्ट नहीं चाहिए तो मैं उसे ओमिट कर देता हूँ, सिलेक्शन में नहीं लेता हूँ। अभी इस तरह से आपको अपना प्रॉपर सिलेक्शन करना है जिस फोटोज को भी आपको कटआउट करके ऐड करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से मेरे यहाँ से इस फोटोज के हेयर्स हैं। अभी मुझे जहां तक इसके हेयर्स दिख रहे हैं उतने पार्ट से सिलेक्शन करना है, यानी इतने पार्ट से लेते हुए मुझे सेलेक्ट करना है। ये सब चीज मुझे चाहिए हेयर डिटेल के लिए तो मैं इतने पार्ट्स के साथ सेलेक्ट करूंगा। जो भी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है, ग्रे बैकग्राउंड के साथ है, उसके साथ यहाँ पे इसका सिलेक्शन करूंगा। इस तरह से आपको सारे के सारे सिलेक्शन करना है। अभी यहां से मैं प्रॉपर एग्जेक्ट जितना ऑब्जेक्ट है उतने के हिसाब से सिलेक्शन करूंगा। अगर आपको परफेक्ट हेयर डिटेलिंग चाहिए फोटोज की, हेयर डिटेलिंग या हेयर कटआउट प्रॉपर चाहिए तो उसके लिए आपको अपना उसके लिए आपको सिंगल बैकग्राउंड पे फोटो शूट करना पड़ेगा। यानी सिंगल बैकग्राउंड पे शूट करने से क्या है कि आपको हेयर डिटेलिंग परफेक्ट मिलेगी जैसी आपको हेयर डिटेल चाहिए। तो सिंगल बैकग्राउंड के लिए खासकर व्हाइट बैकग्राउंड या फिर ग्रे बैकग्राउंड या फिर ग्रीन बैकग्राउंड पे अगर आप शूट करते हैं तो आपको परफेक्ट हेयर डिटेल मिलेगा, जो भी आपको हेयर डिटेल चाहिए जैसा भी। इसके लिए आपको फोटोशूट भी सिंगल बैकग्राउंड पे ही करना है परफेक्ट हेयर डिटेलिंग के लिए।
अगर आप डार्क या फिर मल्टीपल बैकग्राउंड पर शूट करते हैं तो इसमें आपको हेयर डिटेलिंग वहां से प्रॉपर नहीं मिलेगी। भी इस तरह से मैं अपना सिलेक्शन करता हूँ सारा का सारा। फोटोशॉप में कटआउट पे प्रैक्टिस नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है परफेक्ट कटआउट के लिए। इसके लिए आपको टाइम भी लग सकता है परफेक्ट कटिंग के लिए। अभी मैं इसका सिलेक्शन रन करता हूँ। अभी इस तरह से मेरा ये सिलेक्शन हो गया। अभी मेरा इसका सिलेक्शन रन करने के लिए मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ, जिससे कि मेरा ये सिलेक्शन यहाँ पे रन हो गया। यानी सिलेक्शन रन होना मीन्स जितना मैंने पार्ट सेलेक्ट किया हुआ उतना पार्ट मेरा अभी यहाँ पे इस सिलेक्शन के अंदर है। अभी इस फोटोज में जो अनवांटेड पार्ट है उसे मैं सेलेक्ट करके उसे भी सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि अनवांटेड पार्ट भी कटआउट हो जाए। जैसे कि ये अनवांटेड पार्ट है तो उसके लिए मैं इसको भी सिलेक्शन करता हूँ। अभी ये सिलेक्शन मेरा यहाँ पे हो गया है। अभी सिलेक्शन को रन करने के लिए मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेक सिलेक्शन सेलेक्ट करना है। मेक सिलेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑपरेशंस में आना है। ऑपरेशंस में यहाँ पे तीन चार ऑप्शन दिए हैं, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंसर्ट विद सिलेक्शन। अभी ये जो मेरा सिलेक्शन है ये सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन है, यानी मुझे इस पार्ट को कट रिमूव करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करना होगा, तो जिससे कि मेरा ये सिलेक्शन इस सिलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगा। इस तरह से मेरी फोटोज की ये सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। अभी मैं यहाँ पे इस फोटोज को जितना सिलेक्शन है उसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। कॉपी पेस्ट करने के पहले सबसे पहले मैं इस पे फेदर दूंगा, जिससे फेदर देने से क्या होगा कि जो कटआउट आपका आएगा वो जो उसकी एजेस रहेंगे वो स्मूथ रहेंगे, कि ऐसे लगेगा कि नहीं आपने एकदम कैंची से या शार्प कट किया हुआ है। तो उसके लिए फेदर देने के लिए आपको सेलेक्ट पे जाना है। सेलेक्ट पे जाने के बाद मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पे फेदर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है शिफ्ट F6। यहाँ पे फेदर पे क्लिक किया, यहाँ पे आप फेदर्स रेडियस 1 या 1.5 देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो एजेस रहेगा वो एकदम स्मूथ रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 का फेदर दिया। एडिट पे जा रहा हूँ, कॉपी करने के लिए मैं एडिट पे जाता हूँ। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे कॉपी है, इसका शॉर्टकट सी कंट्रोल सी, मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब इस लेयर पे जिस पेज पे मुझे फोटोज को ऐड करना है वो पेज पे मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जेपीजी फॉर्मेट में है, यानी पूरा का पूरा फ्लैट। आपने जब करिश्मा डिजाइन स्मार्ट से इसको इंपोर्ट किया तो ये पूरा सिंगल लेयर आपको आउटपुट दिया, यानी सिंगल लेयर में आपका फाइल जो है एक्सपोर्ट हुआ है जेपीजी फॉर्मेट में। अभी आपको ये फोटोज यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उस फोटोज को जो आपने कॉपी किया हुआ है उसे यहाँ पे पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के लिए आपको एडिट पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, कंट्रोल भी करना है। अभी यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल भी कर दिए, पेस्ट कर दिया। अभी आपको इस फोटोज को मूव करना है। मूव करने के लिए सिलेक्शन मूव है, इसका मूव टूल है, मूव टूल को सेलेक्ट किया यहाँ से। अभी फोटोज को आपको जिस पोजीशन पे लाना है उस पोजीशन में आप मूव करके ला के रख दिए। अभी इस फोटोज को मुझे छोटा करना है। छोटा करने के लिए मैं इसे एडिट टूल में जाता हूँ। एडिट टूल में यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म दिया है, फ्री ट्रांसफॉर्म को क्लिक किया तो यहाँ पे ये एक बॉन्डिंग बॉक्स आ गया। यानी अभी मुझे फोटोज को छोटा बड़ा करना है। मुझे फोटो को चारों प्रोपोर्शन से छोटा करना है, चारों प्रोपोर्शन से इक्वल अमाउंट में छोटा करना है। तो मुझे यहाँ से शिफ्ट अल्ट पकड़ना रहेगा। शिफ्ट अल्ट पकड़ के इसे फोटो को माउस से छोटा बड़ा करना है। अभी इसको मैं शिफ्ट अल्ट छोड़ के इसको मूव कर सकता हूँ जो पोजीशन में मुझे रखना है। मैंने यहाँ पे ये पोजीशन पे इसे यहाँ पे फोटोज को रख दिया। अभी ये फोटोज की पोजीशन में ही यहाँ पे परफेक्ट है, यानी जो भी मैंने यहाँ पे कंपोजिशन किया उसके हिसाब से अभी ये परफेक्ट है। तो मैं अभी ये बॉन्ड जो फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है इसे निकालने के लिए मैं एंटर करता हूँ। तो ये मेरी फोटोज अभी इस साइज में यहाँ पे फिट है। अभी मैं इसे जूम करता हूँ कंट्रोल प्लस करके। अभी आप देखेंगे ये एरिया से मुझे यहाँ पे जो ये मेरा कटआउट का जो पार्ट है,
यहाँ पे हेयर्स दिख रहे हैं, तो यानी हेयर की डिटेलिंग करनी है, इसलिए इतने पार्ट के साथ मैंने इसे कटआउट किया हुआ है। अभी हेयर डिटेलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इस लेयर का डुप्लीकेट लेयर लेना होगा। डुप्लीकेट लेयर इसलिए लेना है क्योंकि आपको यहाँ पे एक उस डुप्लीकेट लेयर का मल्टीप्लाई करना है इस लेयर के पीछे। यहाँ पे ऑप्शन है ब्लेंड मोड में, तो सबसे पहले मैं इसका डुप्लीकेट लेता हूँ। डुप्लीकेट लेयर लेने के लिए मैं इस लेयर पैनल पे आता हूँ यहाँ पे, और लेयर पैनल पे जो लेयर है सबसे ऊपर की ये सिंगल लेयर जो है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे यहाँ पे ओके करता हूँ, और इस तरह से ये डुप्लीकेट लेयर में आ गया। अभी जो नीचे वाली लेयर है ये मेरी लेयर, अब इसे मैं ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन में जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। मल्टीप्लाई का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई का ऑप्शन इसलिए सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि आप अभी जो लेयर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है उस लेयर को आप देखेंगे तो इस तरह से हो गया, यानी जो बैकग्राउंड था उस बैकग्राउंड के साथ उस कलर में मर्ज हो गया। तो अभी मैं ओरिजिनल लेयर ओपन करता हूँ ऊपर की लेयर को। अभी जो ऊपर की लेयर है उसे मैं मास्क करता हूँ। अभी ये टॉप ऊपर का लेयर है, ऊपर के लेयर को मुझे मास्किंग करना है। मास्किंग कर इसलिए करना है क्योंकि जो पार्ट्स दिख रहा है ऊपर का व्हाइट पार्ट्स, उसे मुझे मास्क करके यहाँ पे निकालना है। मास्किंग का एक फायदा होता है कि मास्किंग जब आप करते हो अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उस पार्ट को आप वापिस ला सकते हो, यानी रिवर्स मास्किंग करके आप उस पार्ट को वापिस ला सकते हो, इसलिए मास्किंग का ये बेनिफिट है। तो यहाँ पे मैं मास्किंग के थ्रू इस पार्ट्स को निकालूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मास्किंग ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे लेयर पैनल में सबसे नीचे आऊंगा, तो यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे ये मास्किंग का ऑप्शन है एड लेयर मास्क। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये लेयर के ऊपर मेरा मास्क यहाँ पे ऐड हो गया, यानी मेरा लेयर जो है मास्क के अंदर ऐड हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे कि आप लेयर, अभी यहाँ पे मास्क ऐड होने के बाद आपको सबसे पहले ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। मास्किंग के लिए आपको सबसे पहले ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के लिए मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन टूल्स में सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट का एक पैनल दिया हुआ है। ये है ये ब्लैक वाला जो है ये फोरग्राउंड का ऑप्शन है, और ये व्हाइट वाला जो है ये बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है। मास्किंग करने के लिए आपको जो पार्ट्स को अरेंज करना है, यानी जो पार्ट्स को आपको रिमूव करना है या फिर हाइड करना है, जो पार्ट को आपको हाइड करना है या फिर रिमूव करना है, उसके लिए मास्किंग में आपको फोरग्राउंड में ब्लैक रखना है और बैकग्राउंड में व्हाइट रखना है, जैसे कि यहाँ पे सेट है। तभी मैं मास्किंग में जाता हूँ। अभी ये मेरा मास्किंग ऑन है, ब्रश मैंने ऑन रखे हुए है। अभी ये ब्रश से मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ या फिर मास्क करता हूँ। जैसे जैसे मैं ब्रश को यहाँ पे रफ करूंगा तो मेरा जो पार्ट है, जो ग्रे पार्ट जिसे मुझे रिमूव करना है, वो मास्किंग के थ्रू यहाँ से हाइड होते जा रहा है। सपोज अभी गलती से मेरा ये जो ब्रश है यहाँ पे मास्क हो गया, यानी यहाँ पे मेरा गलती से ब्रश ये रफ हो गया। अभी इस पार्ट को मुझे लाना है और मैं यहाँ पे दो तीन स्टेप आगे फॉरवर्ड चले गया। तो मास्किंग का बेनिफिट है कि आप इस चीज को वापिस ला सकते हो, चाहे आप कितने भी पार्ट्स आगे चले गए रहोगे, कितने भी स्टेप आप आगे चले गए रहोगे। उसके लिए आपको अभी ये पार्ट्स को रिटर्न लाना है जहाँ पे गलती से आपका ब्रश चल गया था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फोरग्राउंड में व्हाइट करना है। इसको इस पे क्लिक करने के बाद ये रिवर्स हो जाता है। अभी मेरा फोरग्राउंड व्हाइट हो गया और बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। तो अभी जब मैं ब्रश को यहाँ पे मूव करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो हाइट पार्ट था मास्क के थ्रू वो मेरा रिटर्न आ गया, यानी मास्किंग का ये बेनिफिट है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मास्किंग का यूज किया हुआ है। तभी मुझे वापस से जो पार्ट हाइट करना है मैं वापस से फोरग्राउंड को ब्लैक करता हूँ और बैकग्राउंड को व्हाइट, और यहाँ से मैं इसको रफ करता हूँ। इसी तरह से आप ब्रश को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, आपको जितना छोटा चाहिए आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। आपको इसके लिए मास्किंग से हाइड करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी आपको थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी।
अभी जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे लाइट कलर में, ये हमारे जो हमने नीचे की लेयर को मल्टीप्लाई किया था वो है। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा था, तो इसके जो आई है मैं इसको हाइड करता हूँ, यानी जैसे हाइड किया तो नीचे की लेयर मेरी हाइड हो गई। तो मैं जैसे इसको ऑन किया मेरी नीचे की लेयर आ गई। इसी तरह से आपको सारा का सारा मास्क करके यहाँ पे मास्किंग करके निकालना है, सारे पार्ट्स जितने पार्ट्स आपने सिलेक्ट किए हुए हैं ड्रिल के लिए उसको मास्किंग करके आपको रिमूव करना है। मुझे ब्रश बड़ा करना है तो मैं यहाँ से ब्रश को साइज को बड़ा कर सकता हूँ। इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जितना परफेक्ट आप करेंगे उतना अच्छा आपको एडिटिंग मिलेगा। और भी अच्छी एडिटिंग चाहिए तो आप जब फोटो को आप जब शूट करेंगे तो शूट करते समय आपका बैकग्राउंड सिंगल कलर होना चाहिए, विदाउट एनी शेडो, विदाउट एनी मल्टीपल बैकग्राउंड, तो जिससे कि आपको परफेक्ट कटआउट हेयर डिटेल के साथ मिले। इसके लिए आपको सिंगल बैकग्राउंड में या तो ग्रे रखना है या तो परफेक्ट व्हाइट रखना है, वो भी आपका फोटोज में शेडोज नहीं होना चाहिए। अगर जरा भी शेडो रहेगा तो आपको जो परफेक्ट हेयर कटिंग चाहिए वो उतनी डिटेल्स में नहीं मिलेगी जितनी डिटेल्स में आपको चाहिए। अभी मुझे यहाँ पे ब्रश छोटा करना, तो मैं यहाँ से ब्रश छोटा कर देता हूँ, और छोटा करना है तो छोटा कर सकता हूँ। यहाँ से फोटो को जूम आउट जूम इन करना है तो आपको कंट्रोल प्लस जूम करने के लिए, कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए। अभी इस तरह से ये मेरा सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे मैंने इस तरह से अभी इसकी मास्किंग कर दी। अब मुझे नीचे की लेयर जो है उसके कलर निकालना है, तो सबसे पहले मैं नीचे की लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और उसके कलर निकालने के लिए मैं इमेज पे जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ और कर्व करता हूँ। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एम, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैंने कर्व किया, अभी यहाँ पे तीन ऑप्शन है पिकर के, ये कर्व का ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ। सैंपल इमेज सेट वाइट पॉइंट, यानी इससे जिस कलर को मुझे निकालना है, जिस पॉइंट को निकालना है उसको मैं उस कलर को यहाँ से रिड्यूस कर सकता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे लाके इसको क्लिक कर दिया, जिस पार्ट का कलर निकालना है, जिस शेड का कलर निकालना है उस शेड का कलर मैंने यहाँ से निकाल दिया। अभी मैं इसे ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी हेयर डिटेलिंग दिख रही है। अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये पार्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड का जो कलर था थोड़ा डार्क था और यहाँ पे लाइट था, यानी जो यहाँ से मैंने शेड सेलेक्ट किया उस शेड में जितना भी कलर था सारा का सारा निकल गया, बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डार्क था इसलिए यहाँ पे ये शेड अभी दिख रहा है। इसके लिए आपको परफेक्ट सिंगल बैकग्राउंड पे फोटो शूट करना है। अभी ये जो मेरा सॉफ्ट पार्ट दिख रहा है, अभी इसे भी मैं मुझे निकालना है, यानी कि जो मेरा ये कटआउट एज दिख रहा है यहाँ से, मैं इसे भी निकालूंगा इसलिए जिससे कि एकदम स्मूथ दिखे यहाँ पे। उसके लिए मैं इसे भी हेयर मास्क, इसे भी मैं मास्किंग के थ्रू ही निकालूंगा। मास्किंग करने के लिए मैं लेयर एड मास्क करता हूँ, ये मेरा लेयर एड मास्क एक्टिव है। यहाँ पे मेरा फोरग्राउंड ब्लैक है और बैकग्राउंड व्हाइट है, तो मैं यहाँ से ब्रश को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यानी ब्रश की साइज थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जैसा रिमूव करना है। इस तरह से आप एडिटिंग जो शार्प एज कटआउट का दिख रहा था मैं उसे मास्क करके थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ। अभी इस तरह से आप अपने एडजस्ट करके अभी देखेंगे ऊपर वाली लेयर पे थोड़ा सा मास्क रह गया था, मतलब हाइट करने को रह गया था थोड़ा सा पार्ट, तो मैं ऊपर की लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मास्क एक्टिव हो गया, मैं इसे रफ कर देता हूँ तो पार्ट नहीं हो गया। ये मेरा मास्किंग का यहाँ पे बेनिफिट है, यानी आप मास्किंग का कहीं भी स्टेप यूज कर सकते हैं कभी भी। ब्रश को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। अगर आपको ब्रश का साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी बड़ा एंड छोटा करना है कीपैड से, तो उसके लिए आपको स्मॉल करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट कीपैड पे प्रेस करना है और इंक्रीज करने के लिए आपको कीपैड पे बिग ब्रैकेट प्रेस करना है, तो आपका ब्रश का साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहेगा। तो ये इसका शॉर्टकट कीज है, आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज यूज कर रहा हूँ ब्रश स्मॉल बड़ा छोटा करने के लिए, आप भी शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको हेयर डिटेलिंग कर दिया इस फोटोज का।
यहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है, यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि थोड़ा एज दिख रहा है, तो आप उसे भी स्मूथ कर सकते हैं। आपको ब्रश छोटा बड़ा करना है, शॉर्टकट कीज ने बताया, वो शॉर्टकट कीज आप यूज कर सकते हैं। हम इसे जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसकी हेयर डिटेलिंग कर दी, जैसा हेयर चाहिए था मेरे को, जो हेयर डिटेल दिख रहा था कपल का, उसी तरह से ही हेयर डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से मैंने यहाँ पे हेयर डिटेलिंग का फोटो ऐड कर दिया फोटोशॉप में। यहां से मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूं। अब इस फाइल को मैं जेपीजी में सेव करूंगा, क्योंकि ये सिंगल लेयर था। मैंने जो मैंने बताया कि सिंगल लेयर एक्सपोर्ट हुआ था, तो ये मेरा लेयर वाइज हो गया है अभी यहाँ पे। यानी अभी मैं जब इसको सेव करूंगा तो ये पीएचडी फॉर्म में सेव होगा, और एक बार मैं पीएचडी फॉर्म में सेव करूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं इसे जेपीजी फॉर्मेट में सेव करूंगा, जो मुझे प्रिंटिंग के लिए भेजना है, प्रिंटेबल फाइल। तो सबसे पहले मैं इसे पीएचडी फॉर्म में सेव करता हूँ। पीएचडी फॉर्म में इसलिए सेव कर रहा हूँ कि जैसे कि कभी हमने कपल का फोटो, जैसे कि मैंने हमने अभी यहाँ पे ऐड कर दिया और हमने क्लाइंट को भेजा है इसको, अब क्लाइंट बोलेगा मुझे ये कपल का फोटो नहीं चाहिए, तो आपके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ फाइल रहेगा डिजाइन स्मार्ट से, तो आपको बार बार एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप इस फाइल को डायरेक्ट यहाँ से निकाल के, इस कपल के फोटो को डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल के आप नया कपल का फोटो ऐड कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसे यहाँ पे एक बार पहली बार इसको फोटोशॉप पीएचडी फाइल में सेव किया। अभी नेक्स्ट टाइम मैं इसे जेपीजी फाइल में सेव करता हूँ, यानी प्रिंटेबल फाइल, मुझे प्रिंटिंग के लिए जो भेजना है। इस तरह से मेरा ये प्रिंटेबल फाइल यहाँ पे सेव हो गया, जेपीजी फाइल। अब मैं इसे कहीं भी प्रिंटिंग के लिए भेज सकता हूँ। इस तरह से आप हेयर डिटेलिंग, परफेक्ट हेयर डिटेलिंग कटआउट फोटोज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप करिश्मा डिजाइन स्मार्ट और फोटोशॉप का यूज करके परफेक्ट हेयर डिटेलिंग का कटआउट किया हुआ फोटोज आप पेज पे ऐड कर सकते हैं, और आप कहीं से भी इसे प्रिंट करा सकते हैं।